तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रूस्टो के ग्रे कलर पेपर्स पे स्किन कलर कैसे अप्लाई करें। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए डायरेक्टली कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके पूरे स्किन में वाइट की एक लेयर ऐड करूँगा और उसके बाद इस पे हम पिंच कलर यूज़ करेंगे। तो पिंच कलर को अप्लाई करने से पहले मैं इस पे थोड़े हाइलाइट्स ड्रॉ कर लेता हूँ जितने भी हैं। तो हाइलाइट्स के साथ स्किन पे दूसरी लेयर ऑफ वाइट की लग चुकी है। तो और अब इसके बाद हम पिंच कलर को बहुत ही लाइटली इस पे अप्लाई करेंगे और हाँ, ये भी लेयर बाय लेयर होगा, तो हैव सम पेशेंस एंड लेट्स डू इट। तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके एक लेयर को पहले कंप्लीट करने के बाद दिखाता हूँ। और हाँ, याद रहे पेंसिल को बिल्कुल भी दबा के नहीं चलाना है, बिल्कुल लाइटली चलाना है और जितने भी हाइलाइट्स हैं उनको देखते हुए चलाना है कि उन पर ना चल जाए। तो इसके बाद उससे हल्के से डार्क वाले पिंच कलर का यूज़ करेंगे और जितने भी एरियाज बिल्कुल मतलब लाइट से थोड़े ज़्यादा हैं उन पे हम इसका यूज़ करेंगे एंड थोड़े से शेडोज को भी मार्क कर देंगे। और अब हम इस पर शेडोज की लेयर ऐड करेंगे। तो इस पर सबसे पहले मैं डार्क रेड का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही हल्के तरीके से इस पर ब्लेंड करके जो शेडो मार्क कर रहा हूँ और इसी प्रोसेस को अलग अलग लेयर में अप्लाई करना है और इसके बाद दूसरे कलर का यूज़ करके शेडोज को मार्क कर रहा हूँ। अलग अलग शेड्स वाले एरिया के लिए हम अलग अलग कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस पे सबसे ज़्यादा पिंक टाइप का इफ़ेक्ट देने के लिए डार्क रेड और डार्क मतलब रेड का यूज़ कर रहा हूँ। और इसको करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करने वाला हूँ स्किन कलर से यानी पिंच कलर से। और ये स्किन के पास वाले जगह में और हाइलाइट्स के बगल में मैं ये लाइट वाला पिंच यूज कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें व्हाइट पेज पे कलर करते हुए वीडियो चाहिए तो यू कैन चेक आउट माय चैनल, क्योंकि मैंने रिसेंटली वैसे वीडियोस बनाए थे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद ही देखना।
So yeah, skin is done. So let's focus on the face. तो इसी के साथ इसके ब्लशेस भी बना लेता हूँ। And now is the time to blend all the areas of the sketch. The drawing. या तो अब बारी है स्किन को अल्टीमेटली ब्लेंड करने की। तो या अब इसके थ्रू मैं पूरे स्किन को ब्लेंड करने वाला हूँ और साथ ही हम थोड़े और शेड्स भी अप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये ड्राइंग कंप्लीट है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि ये जो शेड करने का तरीका है ये मैंने खुद ही पता किया है। इसे मैंने किसी यूट्यूबर को या किसी को देख के नहीं सीखा है। तो हाँ, ये मैं एक रात को, मतलब 11 बजे थे, तब मैं एक ड्राइंग को कलर कर रहा था एंड मुझे इसे कलर करने में 3 घंटे लग गए और मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके उसके बाद मैंने ये तरीका ढूंढा। बट या नाउ इट्स इजी एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग दिस न्यू फॉर्म ऑफ कलरिंग टू यू। आई नो ये शायद और भी कई लोग यूज़ करते होंगे, बट मैंने इसे खुद ही सीखा है, तो एक तरह से ये मेरा ओरिजिनल तरीका है। नॉट ऑफिशियली ये मैंने बनाया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर थोड़े और लेयर ऐड किए। And finally, the art is done. Thanks for watching.